आगरा के ताजगंज के स्टे होम में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये मामला 11 नवंबर का है, जब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी के आने की तैयारी कर रहे थे, तब आगरा में एक युवती के साथ कुछ दरिंदे दुष्कर्म कर उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। पीड़िता इसी होम स्टे में काम करती है। कहा जा रहा है कि उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसमें पीड़िता के साथ काम करने वाली युवती रिया भी शामिल थी। मामले में पीड़िता की तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रात जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। युवती ने युवकों पर जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रिच होम स्टे गेस्ट हाउस 10 दिन पहले ही किराए पर लेकर खोला गया था। वो और रिया करीब 1 साल से होम स्टे में काम कर रही हैं। पीड़िता का आरोप है कि रिया और रवि ने साजिश कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो मोबाइल से बना ली थी। इसके बल पर उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया जा रहा था। आरोपितों ने शनिवार रात उसे जबरन शराब पिलाई, दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीटा गया। रिच होम स्टे में काम करने वाली युवती कॉलोनी वालों की सतर्कता से मुक्त हो सकी। दरअसल अंदर से युवती की चीख पुकार सुनकर कॉलोनी के लोगों को शक हुआ कि वहां कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कॉलोनी वालों को आशंका थी कि वहां रहने वाले युवक साजिश के तहत मदद करने वालों पर आरोप लगा सकते हैं। इसलिए होमस्टे का दरवाजा खुलवाने के दौरान कॉलोनी के लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य देख कॉलोनी के लोग भी सकते में आ गए। पीड़िता उनसे जूझ रही थी। आरोपित उसका मुंह दबाकर अंदर कमरे में घसीट कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लोगों को देखते ही पीड़िता रोते बिलखते हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगी। कुछ लोगों द्वारा ये वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।